लिब्रा, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स गो अहेड। आपकी नेक्स्ट 3 डेज कैसे जाने वाला है? स्पिरिट कैसे गाइड करते हैं हमें आपकी रीडिंग के लिए? थैंक यू। जो फर्स्ट कार्ड, ओ वाओ, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो कि आप स्पिरिचुअल हो, हीलर हो, मीडियम हो, साइकिक हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो कुछ भी हो सकते हैं, तो हो सकते हो क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ऑलरेडी। सो विद दिस हाई प्रिस्टेस आई जस्ट फील कि नेक्स्ट 10 डेज आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल रहने वाला है, बहुत इंट्यूटिव रहोगे, बहुत ज़्यादा यू नो पैशनेटेड रहोगे किसी भी काम के प्रति। अंदर से अगर आपको आवाज़ आएगी कि आपको ये करनी चाहिए तो आप झट से वो कर डालोगे, तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। एंड आई जस्ट फील के नेक्स्ट 10 डेज आपकी ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आप थोड़ी सी कन्फ्यूज हो सकते हो, ये करूँ या फिर ये करूँ, लेकिन उस टाइम में आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग होगी, आपकी इंट्यूशन आपको बोल देगी कि कौन सा सही है। अगर दो लोग आके आपको दो बातें बोले तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग और इंट्यूटिव दिख रहे हो लिब्रा, और बहुत बैलेंस्ड भी रहोगे आई मस्ट से। सो नेक्स्ट कार्ड आपकी है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। वाओ, विद दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स आई जस्ट फील के या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे आप जैसे हो, कि अगर सही लग रहा है तो सही को सही बोल दूँ, गलत लग रहा है तो गलत को गलत बोल दूँ, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे। बहुत ज़्यादा अगर आप टॉकेटिव भी रहोगे, मुझे मतलब टॉकेटिव से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अगर लगेगा कि यहाँ पर मुझे बोलनी चाहिए तो इस कॉम्बिनेशन के साथ मुझे वो लग रहा है कि तब के तब आप बोल डालोगे, दूसरी बार नहीं सोचोगे कि मैं बोलूँ या फिर नहीं बोलूँ, क्योंकि आपको लगेगा तो आप कर दोगे, ऐसी एनर्जी है। एंड और लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी रश एनर्जी भी है, मतलब कोई भी काम कर रहे हो तो आप बहुत स्पीड से करोगे, बहुत एनर्जेटिकली करोगे, उस टाइम पे आप किसी भी तरफ नहीं देखोगे। और अगर किसी को कुछ बोल रहे हो, किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया, तो मतलब उसका तो क्लास ही लगा दोगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सो नेक्स्ट 10 डेज या मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि चलो एक बार थोड़ी सी देख के बोल देना कि कोई बात हर्ट ना कर जाए, क्योंकि ये एनर्जी जो है भाई लोगों के दिल पे जाके लगती है, तो वो एनर्जी है। सो एनीवेज आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ओह वाओ 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 वाओ, सिक्स ऑफ वंड्स। विद दिस सिक्स ऑफ वंड्स शादी है, कमिटमेंट है, घूमना फिरना है, स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल जगह पर जा रहे हो, घूम रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, या फिर स्पिरिचुअल लोगों के साथ मिल रहे हो, अपने सोल फैमिली के साथ मिल रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस्ड एनर्जी मुझे आपके लिए मिल रहा है। तो अगर स्पिरिचुअल कोई काम करना चाहते हो तो ये 10 दिन आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा भाई। और लीडरशिप मुझे दिख रहा है, जैसे कि और 10 लोगों को आप मदद करने वाले हो एंड लीड करने वाले हो, कुछ ना कुछ ज़रूर लीड करने वाले हो, बहुत सटीक रहेगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे उसके वजह से। तो आप कुछ बोलने का, मतलब जैसे कि हम टेररिस्ट होते हैं कि बोलने के ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत ज़्यादा बोलने के आप फ्लुएंट रहोगे। ओके, एंड आई जस्ट फील कि बहुत सारे लोग स्पोकन की क्लासेस ले सकते हो, कोई भी वो होती है, जर्मन हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या फिर स्पेनिश हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज की स्पोकन की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। एंड बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है किसी की पार्टीज़ अटेंड करना, शादी अटेंड करना, खुद की शादी की एक फ़ैसला हो जाना, रिलेशनशिप में एंटर करना, न्यू एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो ये टाइम आपके लिए बहुत फेवरेबल है आई मस्ट से। एंड बहुत अप्रिसिएशन है भाई आपके लिए, या बहुत अप्रिसिएशन है। वाओ, एट ऑफ वंड्स, बहुत तेज़ रफ्तार, मैंने कहा ना कि आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा रफ्तार भरी रहेगी, ठीक है? तो मैंने हर्ष बोला था, हर्ष मतलब वही रफ्तार भरी जिसको बोलते हैं, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। ओके, बहुत सारे लोग हॉर्स राइडिंग यहाँ पर सीख सकते हो, ये सडन मैसेज मुझे यहाँ पर से दिखा। ओके, या किसी भी तरीके की ड्राइविंग सीख सकते हो,
तब के लिए आया है अननोन. सो अननोन एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहेगा, मतलब जो भी होगा बहुत ज़्यादा आपके लिए नया रहेगा. मैंने जैसे कहा ना, एक न्यू वाइब मुझे आ रही है, तो कुछ ना कुछ न्यू यहाँ पर है, अननोन है आपके लिए, जो कि शायद नया लोग हो सकते हैं आपके साथ जुड़े. ओके, सो यहाँ पर कुछ मैसेजेस हैं, देखिए आपके साथ कैसे रिलेट करता है. कभी अपने भी पराए लगते हैं और पराए भी अपने लगते हैं, बन जाते हैं. और सेकंड है, इस रिश्ते को और एक मौका दो. तो देखिए आपके साथ कैसे ये मैसेज जा रही हैं. मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो मैसेजेस बहुत स्पेसिफिक हैं. क्या गाइडेंस है फॉर माय लिब्रास, क्या गाइडेंस है? ओके, टेक सम टाइम, थोड़ी सी टाइम दो, टाइम लो. मैंने जैसे कहा, कुछ बोलने से पहले थोड़ी सी एक बार सोच लेके फिर बोलना विद दिस क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, क्योंकि एनर्जीज बहुत तगड़ी है भाई. ओके, यहाँ पर फियर है और यू लेटर है एंड नो नीड टू वरी है. ओके, सो यहाँ पर से मुझे ये दिखा, तो अगर कुछ चिंता सताती है या फिर किसी चीज़ से डर लगता है तो इस दौरान पे आप आज़ाद हो पाओगे. ओके, और क्या मैसेजेस हैं फॉर माय लिब्रास? और ओके, यहाँ पर 1325 19 6 8 20, तो ये नंबर्स आया है. और क्या है? ओके, नो मीन्स नो. यहाँ पर आपकी एनर्जी, एज आई टोल्ड यू, कि बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी है, कि मैंने ना बोला मतलब ना, उसको कोई भी हाँ में बदल नहीं सकता ऐसी एनर्जी में हो, क्योंकि आपको जो सही लगेगा आप वही करोगे. मैंने कहा ना, विद दिस हाई प्रिस्टेस 444 इस दौरान पे बहुत ज़्यादा देख सकते हो. ओके, रिपीटिंग नंबर्स. ओके, सेलिब्रेशन, एज आई टोल्ड यू, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करे हो, अपना बर्थडे हो सकती है, किसी की पार्टीज हो सकती हैं, या फिर कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन है भाई, यहाँ पर वही दिख रहा है. ओके, सो यार, दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा. होप कि आपको इससे मदद हुई है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय.